आप बुला पुलिस को, पुलिस के बाप का बुला। साले हम कोई मुसलमान है? मैं गांड भट्टी तुम्हारी चलो मोमिनपुरा में फायर डालेंगे तुम्हारी। साले हिंदुओं के चौहान में तुम आगे करते हो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं घुसना। आप लोगों को फिर हिंदुओं के लिए है, मुसलमानों के लिए नहीं है ये। आप मुसलमान हो नहीं, चलो बाहर चलो। मुसलमानों के लिए लिख दो, मुसलमानों के लिए अलाउड नहीं है। ये हिंदुओं का है, अरे राजनीति करता है ये देवेंद्र फडणवीस के क्या? अरे हिंदुओं का भगवान को तुम बोलते मत पूजा करो। अरे वाह, चल खोल बोलना, खोलना खोल। अरे कोई हम मुसलमान है क्या? हम मुसलमान है क्या? आप बिल्कुल नहीं निकाल रहे चावल। आप बुला पुलिस को, पुलिस के बाप का बुला। साले हम कोई मुसलमान है? मैं गांड भट्टी तुम्हारी चलो मोमिनपुरा में फायर डालेंगे तुम्हारी। साले हिंदुओं के चौहान में तुम आगे करते हो? गणपति नहीं दिखाई दी क्या? गाइड चालू करो गाइड। हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं घुसना। आप लोगों को फिर हिंदुओं के लिए है, मुसलमानों के लिए नहीं है ये। आप मुसलमान हो नहीं, चलो बाहर चलो। मुसलमान लिख दो, मुसलमानों के लिए अलाउड नहीं है। ये हिंदुओं का है, अरे राजनीति करता है देवेंद्र फडणवीस के दबाव में आके। अरे देवेंद्र फडणवीस जैसे भड़वे मैंने बहुत देख लिए। दोस्तों ये जो आप वीडियो देख रहे हो ये पुणे का है। पुणे के एक गणपति जी के पंडाल पर भगवान गणेश का पूजा हो रहा था, तभी वहां पास कुछ मुस्लिम पुलिस वाले और साथ में हिंदू पुलिस वाले भी आते हैं। क्यों? मंदिर में चल रहे गणेश जी की आरती को बंद कराने के लिए। इतने में जब दादाजी पूछते हैं कि आप लोग क्यों आए हो, किसने भेजा, तो बोलते हैं कि हमें सरकार का आदेश मिला है इसलिए हम आपके आरती को बंद कराने आए हैं, क्योंकि आप बहुत तेज आवाज़ में आरती कर रहे हो। फिर क्या थे, वहाँ खड़े जो दादाजी थे वो उग्र हो गए और इन पुलिस वालों को ऐसा सबक सिखाया कि दोस्तों ये पुलिस वाले हमेशा याद रखेंगे कि किसी हिंदुओं के देवी देवताओं या मंदिर या आरती को बंद कराने के लिए 100 बार सोचेंगे। साफ साफ बोल दिया दादाजी ने कि जाओ किसी मुस्लिमों के मस्जिद पर चल रहे 5 वक्त की नमाज को बंद करके दिखाओ, फाड़ डालेंगे वही। ये साफ बोला दादाजी ने। दोस्तों आपको इस दादाजी का यह अंदाज कैसा लगा जब इन पुलिस वाले को सबक सिखाया? वीडियो शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, साथ में बेल आइकन को भी दबाना ताकि हमारे अगले वीडियो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों धन्यवाद।